नाश्ते में बना रही हूँ मैं मसाला मैगी, सस्ता सरल टिकाऊ। अभी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा मसाला मैगी बनके हो गया है तैयार। इसको बनाना बहुत ही आसान है। पहले एक चम्मच तेल डाल के पैन में अब टमाटर प्याज को फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मीट मसाला या गरम मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल के उसको फ्राई करके फिर जैसे पानी डाल दीजिए। फिर नॉर्मल जैसे मैगी बनाते हैं वैसा नूडल्स डाल के फिर आपका नूडल्स मसाला डाल के उसको बॉईल कर लीजिए। बस बन के तैयार हो गया हमारा झटपट नाश्ता। चलिए मैं आप लोग को नाश्ता करते करते आप लोगों से बात करती हूँ। कर देती हूँ मैं इंडक्शन को बंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इंडियन किचन या जुगाड़ू किचन को कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। मेरी बेटी अभी रिसेंटली हैदराबाद ट्रांसफ़र हुई है और मैं कल ही उसके साथ हैदराबाद आई हूँ, तो वो बेचारी उसको टाइम नहीं मिलता है किचन का जो भी है काम, थोड़े बहुत सिर्फ चाय बना के पीती थी। और ये जो फ्लैट उसने लिया है वो सेमी मॉडुलर किचन है उसमें है और फ्लैट भी सेमी फर्निश्ड है। तो थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आई बॉम्बे से और उसका किचन मैंने जुगाड़ू किचन जो थोड़ा बहुत खाना बना के खा सके वैसा मैंने सेट कर दिया है। तो अभी मैं गर्मा गर्म ये मसाला मैगी नाश्ता कर रही हूँ। सुबह के 10:30 बजे हैं, बेटी तैयार होकर चली गई है क्लिनिक और मैं नाश्ता करके आप लोगों को दिखाती हूँ ये किचन मैंने कैसे सेट किया है। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करती हूँ। किचन में काम शुरू करने से पहले ये बेसिन बहुत ही गंदा था, इसके सारे स्लैब भी बहुत ही गंदे पड़े थे, तो इसको मैंने थोड़े से लिक्विड डिटर्जेंट और कोलगेट से साफ किया है। वो मैंने कैसे किया है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके दाग धब्बे बिल्कुल ही गायब हो गए। पहले ये किचन कैसा था अभी कैसा हो गया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किचन इस तरह से था, बहुत ही गंदा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े ये कोलगेट पेस्ट लगा दिया है। इसके बाद मैं स्कॉच ब्रेड में थोड़ा सा ये भीम लिक्विड डाल के इसको घसूँगी। इसको साफ़ होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा। बेसिन पहले से बहुत ज़्यादा साफ लग रहा है, पहली बार घिसने से ये इतना साफ हो गया है। 2-3 बार और घिसने से एकदम नया जैसा चमकने लगेगा। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। पानी के लिए एक ये काम चलाऊ पानी का जुगाड़ और साथ में ये केटल चाय बनाने के लिए। और उसकी जो वायर की हाइट थोड़ी सी छोटी थी इसलिए मैंने उसके नीचे एक पैन रख के उसकी हाइट को पूरा किया है। हम इंडियन जुगाड़ में मास्टर हैं तो कोई भी काम हम जुगाड़ से चला लेते हैं। नाश्ते के लिए मैंने ब्रेड एंड अंडा भी रख दिया है, कभी रात को उसको ब्रेड ऑमलेट भी बनाना हो तो खा सकती है। और ये रेडीमेड कुछ डब्बे भी रखे हुए हैं, मैंने थोड़े से यहाँ पे आलू प्याज भी रखे हुए हैं ज़रूरत पड़ने पर कभी काम में ला सके। बर्तन बहुत कम ही मैंने उसके लिए यूज़ के लिए रखे हैं बाहर, क्योंकि जितना बर्तन बाहर रहेगा उतना ही उसको धोना मैनेज करना मुश्किल होगा। तो जस्ट जितना चाहिए उतना ही बर्तन मैंने बाहर रखे हैं। और एक मैगी के मसाला कुप्पा के ग्लास को ही मैंने उसका कटलरी स्टैंड बना दिया है, ये ऑयल कंटेनर। और फिलहाल तो इस इंडक्शन में ही खाना बन जाता है जो भी बनाना चाहे। इसके साथ ही 3 पैंस फ्री में आते हैं, आपको पता ही होगा प्रेस्टीज के, तो अभी फ़िलहाल इनसे ही काम चल जाता है। और ये मैंने एक पुराने चॉपिंग बोर्ड को ही उसका अभी जो है बर्तन धो के रखने का स्टैंड बना दिया है ताकि पानी वहाँ से निकल जाए, तो फिर मैं बर्तनों को यहाँ पे कोने में लगा देती हूँ और बाकी बर्तनों को मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है।
और ये एक बैग में मैंने सारे उसके प्लास्टिक जो भी यूज़ में आने वाले वो रख दिया है। एक बर्तन स्टैंड भी है इस कोने में, बट ये कितने दिन से यूज़ नहीं हुआ है, बड़ा गंदा सा लगा मुझे। तो टेम्प्रेरी रहना है तो क्यों इतना मेहनत करना। तो रेंटेड एकोमोडेशन में इतना मैंने काफ़ी उसके लिए कर दिया है कि वो एटलीस्ट खाना बना के खा सके, थोड़ा बहुत काम चलाओ। इस बालकनी के बाहर ही वॉशिंग मशीन का प्लेस है, इसलिए मैंने सर को भी यहीं पे टांग दिया है। उसके गार्बेज बैग जो भी यूज़ की चीज़ उसको सामने दिखे, मेरे जाने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और थोड़े बहुत राशन मैं लेके आई थी जो मैंने उसको यहाँ पे जमा दिया है। इसके काम चलाओ कुछ दालें, मसाला, चाय पत्ती, चीनी और थोड़े बहुत दाल चावल जो भी उसको ज़रूरत होगी, मैगी वगैरह सब ला के यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह से मैंने ये काम चला उसका किचन रेडी कर दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। किचन के बाहर ही एक छोटा सा काम चलाओ डाइनिंग टेबल है, और ये साथ में टीवी के ऊपर एक रैक में मेरे बेटी ने पूजा का छोटा सा जगह बना रखा है। और बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है इसलिए कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। तो ये फ्लैट सेमी फर्निश्ड है, तो थोड़े बहुत फर्नीचर है, बहुत ही पुराने, बट काम चलाऊँ चल जाएगा काम, ऐसा फर्नीचर इसमें दिया हुआ है। एक काम चलाऊँ फ्रिज भी है जिसको मैंने अभी फुल्ली लोडेड कर दिया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी बना के खा सके। इतना मैंने अभी काम चलाऊ कर दिया है उसका सेटअप। ये है पूरा लुक बाहर से। आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा किचन का वीडियो बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं हैदराबाद जा रही हूँ तो क्यों ना इस छोटे से जुगाड़ो किचन का ही वीडियो बना दिया जाए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। चलिए मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।